हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको जैसे पता ही होगा मैं कहाँ जाती हूँ रोज़, तो मैं वहीं खेत जा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी मैं आज कहाँ वाले खेत। इस हाथ में मेरे छाले लग गए, छाले लगे कुछ लगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, काम तो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज की तरह फिर से आ गई हूँ मैं आज अपने अशोक वाटिका में, और ये अशोक वाटिका की मालकिन दही और देख, हेलो कर। ये अशोक वाटिका की दूसरी मालकिन लगी है, और मौसम कुछ ऐसा है आज, मौसम तो अच्छा है। लोग सब खेतों में काम कर रहे हैं, कोई खेतों को जा रहा है, सब लगे हैं आजकल। सुअर ने तोड़ ताड़ के सब बराबर कर दिया इस खेत का, सब घिच बिच कर दिए, समझ नहीं आ रहा इसको काटो कैसे। सबसे बड़ी दिक्कत है पहाड़ों की, मेहनत तो पहले से बहुत सब कुछ कर लेता पर हाथ में कुछ नहीं आता, इसलिए आजकल बहुत सारे खेत अब लोग बंजर छोड़ रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू की तिचोड़ी पहाड़ी स्टाइल, तो आप अगर बनाना चाहते हो तो आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखना। यहाँ पे मैंने प्याज को कद्दूकस करके रखा है, टमाटर भी है, और आलू को सिलबट्टे में ट्रस्ट करके रखा है। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करने को रखना है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल गरम होने दे, उसके बाद उसमें जीरा और साबुत धनिया का तड़का लगाएं। अभी मेरा तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें साबुत जीरा डालूंगी और साबुत धनिया, उसका तड़का लगाऊंगी। जीरा और धनिया को चटकने तक रहने दे, फिर उसमें ऐड करूंगी प्याज और टमाटर। अब इसमें कद्दू का सड़ा हुआ प्याज डालें, प्याज को गोल्डन होने तक भूनते हैं। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। टमाटर भी मैंने कद्दूकस करके रखा है। टमाटर हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी रेगुलर स्पाइसेस जो आप अपने रेगुलर खाने में यूज करते हो। मैंने सब कुछ एक साथ निकाल के रखा है, मैं इसमें डालूंगी। मसाला तब तक भुने जब तक वो तेल ना छोड़ने लग जाए। आप देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ने लग गया है कढ़ाई से। अब मैं इसमें डालूंगी आलू जो मैंने खींच के रखे, जो मैंने क्रश करके रखे हुए। मैंने आलू डाल दिए हैं, इनको भी थोड़ी भुनूंगी। इसके बाद मैं इसमें भुने हुए बेसन को मैंने बैटर तैयार करके रखा था पहले से, इसको ऐड कर दूंगी। अब इसको थोड़ी देर चलाइए और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दीजिए। इसको चलाते रहिए जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, और करछी से चलाते रहिए, जितना चलाओगे उतनी टेस्टी होती है। मैंने लंच में बनाया है आलू की तिचोड़ी, आप भी बनाइए, ट्रस्ट में बहुत टेस्टी होती है। लंच तो हमारा हो गया है, अब मैं चूल्हे की लिपाई करूँगी। निर्मला वाली स्वेटर मैंने पहनी है और क्रीम पाउडर मैं चूल्हे को लगाऊंगी। कुछ भी अरे कहना क्या चाहते हो? लिपाई के लिए दादी ने पहले से ही मिट्टी भिगो के रखी है, अब मैं लिपाई करती हूँ।
लिपाई के बाद दहलीज पे फूल जरूर रखें। मुझे नहीं पता इसका रीजन, पर मैं दादी से पूछ के बताऊंगी। दादी बताएगी आपको दहलीज पे फूल क्यों रखते हैं लिपाई के बाद, बताओ। लिपाई करके शुद्ध होता है, फूल पोस्तक धर दिया है उससे शुद्ध होता है। अच्छा ठीक है।